अरे बेबी तुमने मुझे पहचान लिया, तुम ना बहुत प्यार करती हो मुझसे, हर बार पहचान लेती हो। मेरे मेरे बाल खराब कर दिए, पीछे क्यों खड़े हो तुम? आ गए हो तुम, फिर क्या किया तुमने? क्या मतलब इतने बुरा है जैसे जगह दिया, पूरा मेकअप खराब कर दिया मेरा। अरे बेबी मेकअप कहाँ खराब किया मैंने तुम्हारा, मैं तो तुमसे थोड़ी सी मजाक कर रहा था और मेकअप खराब हो गया। वाह भाई वाह, मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए मेकअप जरूरी है तुम्हारा है। वो बात नहीं है, पर तुम्हें पता है ना मुझे देर हो रही है, मैं चाहती हूँ तो तुम भी अपने काम पे जाओ, शाम को आने से पहले मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम तभी घर आना। ठीक है तो फिर पक्का फोन कर देना मेरे पास में, ठीक है ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और आज शाम का खाना ना मैं ही बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अरे वाह, ठीक है तुम खाना वाना बना के रखना और मैं आ जाऊंगी। और एक और बात, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत स्मार्ट लग रही हो, इतनी स्मार्ट लग रही हो कि कोई भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है फिर, बहुत जरूरी काम से बताओ, अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ ना, अब उसके यहाँ बहुत सालों के बाद जा रही हूँ, अब उसके घर वाले देखेंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि हाँ इंस्पेक्टर मार्टिन पंडित की बीवी आई है। ठीक है तुम ना लेट हो रही हो। ये लगा दिया मैंने इसके मुंह पे काला पेंट मतलब काला काजल, अब मैं पता लगाऊंगा किससे मिलने के लिए जाती है। मुझे धोखा दे रही थी ना, मुझे सब कुछ पहले ही था कि किसी लड़की से मिलने के लिए जाती है, पर आज ना मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा, जरूर उसी लड़की से मिलने गई होगी। मैं ऐसा करता हूँ चुपके से ना इसका पीछा करता हूँ मैं। ओ भाई मुझे मैं संतरा से ऑफर आया है। अरे भाई यहाँ से किसी लड़की को जाती हुई देखा है क्या आपने? सर व्हाट डू यू मीन, आप समझते क्या हो, हम क्या छिछोरे हैं, नालायक है, घर से निकले हुए आवारा लड़के हैं? सर सही सोच रहे हैं आप, हम ऐसे ही है, हम हर लड़की को देखते हैं, हाँ और हमारा काम ही यही है लेंडियाबाजी का। बताए हुए सर कौन सी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं? गोरी छोटी मोटी पतली सबको देखते हैं हम। अरे ना गोरी पूछ रहा, ना छोटी पूछ रहा, ना पतली पूछ रहा, ना बूरी पूछ रहा, मैं ना काली लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। वो ना काली लड़की है, बिल्कुल इसी की तरह कलर है उसका थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ तो नहीं देखे क्योंकि काली लड़की को हम देखते नहीं। हाँ हम अपने आप को नहीं देखा, मैं देख लेता हूँ बादल मेरे लिए कोई चलेगी। हाँ तो तुमने देखी होगी जरूर, बता दो वो देखी हो तो इसी रास्ते आई थी, मैं उसका पीछा कर रहा था पर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई है वो। सर काली तो नहीं, पर मैंने एक लड़की ऐसी देखी थी तो मुँह काला था और शरीर गोरा था। हाँ वही उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? क्यों सर सेटिंग चल नहीं गया तुम्हारी? वो पत्नी है मेरी। पत्नी? सब चीज बता देता हूँ तुमको, मैं ना उसके बारे में पता लगाने आया हूँ, उसका ना चक्कर चल रहा है और ये काले हाथ मैंने उसके मुंह पे लगा दिए थे और उसका पीछा करने के लिए, जैसे किसी से पूछो वो पता बता दे, ऐसे ही आपने बता दिया ना, इसीलिए काले हाथ करके रंगे हाथ पकड़ना चाह रहे हो अपनी बीवी को। हाँ सर नहीं 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 मेरे भी काले हाथ हो जाएंगे। सर अब बिल्कुल सीधे जाओगे ना वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ये बगल वाला जो घर है ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा चिचोरा नालायक रहता है, वो हमारे गुरु जी है। हाँ उन्होंने हमें चिचोरा करती सिखाई है। तो उन्हीं की आ गई है आपकी बीवी? तुम लोगों से तो बाद में बात करूंगा, पहले तुम्हारे गुरु जी निपटता हूँ मैं। हाँ सर हम भी पावर की गोली लेने जा रहे हैं गुरु जी की, चल रहा। इतनी बातें कम थी जो वो क्या इतनी देर होगी ऐसे ऐसे बोलते जा रहे, तुमने आज तक मुझे देखा नहीं क्या? मानती हूँ मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम मुझे आज तक घोटते रहोगे। अरे सुंदर नहीं लग रही हो, कलूटी लग रही हो एकदम, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ मुँह काला करा गया ही हो। दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे बकवास नहीं कर रहा सच में, तुम कहीं पर मुँह काला करवा के आई हो? सही सही बताओ कहाँ पर करवाया है? कान के नीचे मारूंगी, मुँह काला करवा रही हूँ, मुँह काला तुम तुम्हारे साथ करवा रही हो, पति के होते हो तुम्हारे साथ चक्कर चला रही हो, उसने मुँह काला नहीं हो रहा। अरे ये देखो मैं इस मुँह काले की बात कर रहा हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं काला कैसे हो गया? मैं बताता हूँ किसने किया तुम्हारा मुँह काला और कैसे किया है। ये हाथ हाथ दिख रहे हैं, जब मैंने तुम्हारे मुंह पे खाली हाथ नहीं लगाए थे, ये काला कलर लगाया था, मतलब ये काला काजल है जिससे तुम्हारा मुंह काला हो गया ताकि तुम्हें लोग पहचान सके और उनसे पूछ पूछ के मैं तुम्हारा पता लगा सकूं कि यहाँ पर एक लड़की को देखा जाते हुए, और लोग तुम्हें देखेंगे क्योंकि तुम सबसे अलग दिख रही हो, तुम यहाँ पर आकर अपना मुंह काला करा रही हो, तुम्हारा पति होते सोते हुए भी मरा तो नहीं हो अभी भी जिंदा हो। जल्दी बात कर रहे हो, गलत समझ रहे हैं, ऊपर से मेरा मुंह काला कर दिया, कभी मैं कहूँ रास्ते में लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, एक घंटे से ये हो रहा क्यों घूर रहा है? दोस्त है इससे यहाँ मिलने आई थी, मैंने बोला तुम अपने दोस्त के घर जा रही हो। अभी ओए तेरा तो मुँह काला गया है, इसको ना पीट पीट के लाल कर दूंगा इसका मुँह, चुपचाप बता रहा है तू? तेरे नीचे जो चेले रहते हैं ना उन्होंने वो सब कुछ बता दिया है कि हमारे उस्ताद के यहाँ पर ना भी एक लड़की गई है, बस यही देखने के लिए मैं आया था, ये तो वही लड़की है मेरी प्यारी पत्नी। कौन मार्टिन, मुझसे गलती हो गई है,
मैं आज के बाद ना इससे कभी मिलने नहीं आऊंगी। तुम जैसा जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। तुम कहो तो मैं परमानेंटली कालस अपने मुंह पर लगा के घूम लूंगी। अरे नहीं नहीं, अब ना तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुम ना हमेशा इसके साथ में रहना। अब ना मैं तुमसे लूंगा डायरेक्ट तलाक। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। अब आगे की जो भी बात करूंगा ना मैं सीधा कोर्ट में जाके करूंगा। आ जाना कोर्ट में। अरे सुनो तो, सुनो तो आप क्या होगा? अरे ठीक है ना, तलाक ले लेना, फिर अपन दोनों साथ में रहेंगे। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारा मुंह धुलवाता।